हम आवेदन करने जा रहे हैं। पंजाब से हमारे बीच हैं मिस बबलीजा, उनसे निवेदन करेंगे कृपया अपनी बात रखना। हम उस राष्ट्र की संतान हैं जहाँ गंगा बहती है, हम उस राष्ट्र की संतान हैं जहाँ शूरवीर पैदा होते हैं, हम उस राष्ट्र की संतान हैं जहाँ भारत कण कण में बसता है, हम उस राष्ट्र की संतान हैं जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। नमस्कार माननीय निर्णायक मंडल अतिथिगण एवं यहाँ पर उपस्थित जिज्ञासु व पिपासु श्रोतागण, मैं पंजाब की कुड़ी आप सभी के समक्ष विषय राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति पर कुछ विचार आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी। राष्ट्र निर्माण कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है जिस पर किसी वस्तु का निर्माण किया जा सके। राष्ट्र निर्माण कोई भवन या कोई नक्शा भी नहीं है जिसकी मुरम्मत की जा सके। राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति, अगर सही शब्दों का प्रयोग करूं तो हमारी राष्ट्रीय भावनाएं, एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी नागरिक की पहचान होती है, एक ऐसी विचारधारा जो हमारे मन से उत्पन्न होती है, एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को और मजबूती प्रदान करती है। देशभक्ति की बात की जाए तो जब एक युवा सरदार भगत सिंह का नाम सुनता है और वो जोश उसकी आंखों में दिखता है वो है देशभक्ति। जब एक नारी रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनती है और अपने भीतर जो ज्वाला महसूस करती है वो है देशभक्ति। जब भारत की बेटी मैरी कॉम ने छठी बार अपने नाम का, अपने विजय का डंका पूरे विश्व में बजाया, तब जो गौरव हमारे सीने में था वो है देशभक्ति। राष्ट्र निर्माण अगर गाड़ी है तो देशभक्ति उसके पहिए, राष्ट्र निर्माण अगर पेड़ है तो देशभक्ति उस पेड़ की जड़ें, और जब जड़ मजबूत होती है तो आंधियों से भी डर नहीं लगता। वैसे मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि हम किस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं जहाँ मध्य वर्ग के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में पढ़ाने के लिए रात रात लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, और उन्हीं लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर ये सोचते हैं कि इनका ये बच्चा एक दिन सरकारी नौकरी करेगा। हम किस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं जहां रेलवे की लापरवाही के कारण अमृतसर जैसी दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। हम किस राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं जहां हर एक दिन एक किसान अपनी किसानी छोड़कर मजदूरी करता है, और दूसरी तरफ उसी की भलाई के नाम पर एक नेता हमसे वोट मांगने आता है। हम किस राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं जहां नारी अपने घर में सुरक्षित नहीं है पर हम लोग बाहर नारी सशक्तिकरण की डींगे हाँकते हैं। क्या ऐसे राष्ट्र की कल्पना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने या राष्ट्रपिता गांधी जी ने? क्या ऐसे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए वे आखिरी दम तक लड़ते रहे थे अंग्रेजों के साथ? माफ कीजिएगा, ये भारत स्वामी विवेकानंद जी का, ये भारत महात्मा गांधी जी का है, ये भारत कल्पना चावला का है, ये भारत मदर टेरेसा का है, ये भारत हमारे सैनिक भाइयों का है, क्योंकि इनकी भागीदारी ये इनका भाग। ये था सिक्के का एक पहलू। दूसरे सिक्के के पहलू से मैं आपको रूबरू करवाना चाहूंगा राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति के केंद्र बिंदु कृषि, शिक्षा, युवा, उद्योग धंधों पर आधारित है। कृषि की बात की जाए तो आज भारत विश्व स्तर पर कृषि गेहूं उत्पादन में चौथे व चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है। सोचने वाली बात यह है कि दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला यह राष्ट्र आज आयात निर्यात करने में सक्षम है, तो निश्चय ही यह हमारे राष्ट्र प्रेम, हमारी मेहनत के फलस्वरूप ही संभव हुआ है। अगर शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान निभाती है, क्योंकि ये चेतना की लहर मनुष्य के भीतर चलाती है जिससे वह गलत और सही के अंतर को समझ पाता है। आज हमारे राष्ट्र के कुछ बच्चे विदेशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, पर कुछ नौजवान अपनी जन्म भूमि को अपनी कर्म भूमि बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी मिसाल है अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपनी मातृभूमि के लिए काम किया। उन्होंने अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया।
उन्हीं की देखरेख में सफल परमाणु परीक्षण किए गए, जिस फलस्वरूप आज भारत परमाणु सशक्त देशों की सूची में शामिल हुआ है। आज इसरो में अब्दुल कलाम जी जैसे और भी वैज्ञानिक हैं जो कम कीमत व स्वदेशी तकनीक से उपग्रह बनाते हैं। यह जानकर आप सभी को गौरव प्राप्त होगा कि आज अमेरिका, रशिया, जापान, फ्रांस के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल है जो अपने देश में उपग्रह बनाने व उन्हें अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखता है। भारत युवाओं का देश, जहां 65% आबादी सिर्फ युवाओं की, जहां गर्व से शहीद भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो वहां हम भारत के बेटे कैलाश सत्यार्थी जी को कैसे भूल गए, जो अपने राष्ट्र के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उनका चलाया गया अभियान विश्व विख्यात हो चुका है। उन्हें अपने चलाए हुए अभियान के तहत नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जाधव प्रियंग 16 से 47 साल की उम्र तक काम करते हुए पूरा मानवी जंगल तैयार कर दिया, जहां 1000 हिरण, बंगाली चीता और कई पक्षी जानवर रहते हैं। बीना रॉय एक युवा शिक्षिका जो आज सूरत, गुजरात जैसी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 5000 बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं। और भी कई युवा हैं जिनका नाम हम नहीं जानते, पर वो युवा बिना थके बिना रुके राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। उद्योग धंधों की बात करूं तो ये हमारे आर्थिक ढांचे के सहायक हैं। आज महिंद्रा, बिरला, टाटा जैसी कंपनियां विश्व स्तर पर अपना नाम कमा चुकी हैं, पर अपने राष्ट्र में ये एक बड़े रोजगार का साधन है, जो कि एक तरह से राष्ट्रहित है और देशभक्ति भी। ये है सिक्के के दो पहलू, जहां एक तरफ हमारे राष्ट्र की असफलताएं थी तो दूसरी तरफ सफलताएं। पर निर्भर हम नागरिकों पर करता है कि हम एक सफल राष्ट्र की कल्पना करते हैं या एक असफल राष्ट्र की। जब एक अध्यापक पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाएगा तब होगा राष्ट्र निर्माण। जब एक कर्मचारी बिना किसी मन में खोट के अपने कार्य को पूरा करेंगे तब होगा राष्ट्र निर्माण। और जब एक युवा पूरी लगन के साथ पढ़ेगा, अपने राष्ट्र के प्रति काम करेगा, तब होगा राष्ट्र निर्माण। और जब हम नागरिक पूरे मन से इस भावना को महसूस करेंगे तब कहलाएंगे राष्ट्र निर्माता, तब होंगे सच्चे देशभक्त। जब भी राष्ट्र निर्माण एवं देशभक्ति की बात की जाए ना, तो हम सब कहते हैं जापान को देखो, रशिया को देखो, चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, अमेरिका की प्रगति को देखो। मैं आप सभी से पूछती हूँ कि हमें तुलना की भावना ही क्यों आती है, हमें वो अतुल्य भारत का भविष्य क्यों नहीं दिखता, हम उन नेताओं को जड़ से उखाड़ क्यों नहीं फेंकते जो राष्ट्र निर्माण के नाम पर हमसे सियासत करने आते हैं। याद रखो, जिसे सींचा लहू से वो यूं खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से वो यूं खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज के यूं बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी इबादत हो नहीं सकती। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी 1,25,00,000 से लड़ा सकते हैं, तो हम 125,00,000,000 देशवासी एक राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। राष्ट्र का जन्म तब होता है जब इसकी सीमा में रहने वाले लोग आपस की भागीदारी में एकता की भावना को महसूस करते हैं। राष्ट्र की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं, क्योंकि जब एक नागरिक प्रगति की ओर बढ़ता है तब एक समाज प्रगति की ओर बढ़ता है, जब एक समाज प्रगति की ओर बढ़ता है तब एक राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ता है। हम चाहे कितने भिन्न क्यों ना हो, कितनी भी अलग भाषाएं क्यों ना हो, कितने भी अलग त्योहार क्यों ना हो, हमें आपस में बांधने वाली डोर है देशभक्ति। आज राष्ट्र में पंजाब, कश्मीर जैसे राज्यों में युवा भटक रहे हैं। आप उन्हें बतलाएं कि धरती जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है। ये राष्ट्र ना आपका है ना मेरा है, ये राष्ट्र हमारा है। आज राष्ट्र आपसे बलिदान नहीं मांगती बल्कि चरित्र निर्माण मांगती है। चरित्र ऐसा जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, चरित्र ऐसा जिसमें देश की समस्याओं पर निकालने का हल हो, चरित्र ऐसा जो तिरंगे की शान को बरकरार रख सके। तो आओ उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां 125,00,000,000 देशवासी विकासशील से विकसित बनेंगे। आप उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां गरीबों को नहीं गरीबी को हटाया जाएगा। उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां का अन्नदाता कभी भूखा ना सोए। और उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां का युवा नशा छोड़ अपनी भारत मां के लिए कुछ करे। और उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां
स्वच्छता अभियान के तहत निर्बल भारत का निर्माण करें और उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां नारी सुरक्षित हो और उस राष्ट्र का निर्माण करें जहां तुलना ना हो हमारी, हम बने मिसाल विश्व के लिए। अंत अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, जम गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही है कहीं वो आग, है कहीं वो आग, बस वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद जय भारत।